हाय, वेलकम टू कंपटीशन एग्रीकल्चर। सो फ्रेंड, आज हम कृषि संबंधित जन को एग्रीकल्चर रिलेटेड फादर्स के बारे में जानेंगे ट्रिक के साथ, जो आपको आसानी से याद रहे। फादर्स रिलेटेड क्वेश्चन लगभग सभी एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एक नंबर के लगभग हर एक एग्जाम में आ जाता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो। तो देखते हैं, पहला जो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का जो फादर यानी पिता कहा जाता है, पीटरो डी क्रिसेंजी को एग्रोनॉमी का फादर माना जाता है। तो हम इसे ट्रिक के साथ इस तरह याद करेंगे। एग्रोनॉमी जो है, आप जानते ही हैं, एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस धन नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस। तो एग्रोस का मतलब जो होता है वो फील्ड होता है, और नोमोस का जो मतलब होता है वो होता है मैनेज करना। ये ग्रीक वर्ड लिए गए हैं, एग्रो और नोमोस। तो इसका मतलब जो होता है फील्ड को मैनेज करना ही एग्रोनॉमी कहलाती है। तो एग्रो शब्द से हम फील्ड यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसका मतलब फील्ड। और यहाँ से जो पीटरो डी क्रिसेंजी जो है, तो डी क्रिसेंजी को हम इस तरीके से तोड़ते हैं, क्रेजी शब्द यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ क्रेजी। क्रेजी का जो अर्थ होता है या मतलब होता है वो होता है आतुर, पागलपन, अपनापन, जो भी कुछ आप समझ लें इस तरीके से होता है। तो अपने सॉयल यानी कि इसका मतलब, एग्रोस का मतलब सॉयल होता है या मिट्टी होती है, आप जिस तरीके समझे मिट्टी, फील्ड। तो यानी कि अपने मिट्टी के प्रति जो पागलपन, अपनापन, आतुरता जो आदमी को होती है, उसी तरीके से वो लगाव होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एग्रोनॉमी का जो पिता कहा जाता है पीटरो डी क्रिसेंजी को कहा जाता है। सिंपल सा है, आप अपने हिसाब से भी इसे समझ सकते हैं। देखते हैं जो दूसरा और नेक्स्ट है वो क्या है। हाँ, एग्रोमेट्रोलॉजी। नेक्स्ट जो है एग्रोमेट्रोलॉजी। तो एग्रोमेट्रोलॉजी कृषि मौसम विज्ञान। तो इसका जो है फादर यानी जनक जो डी एन वालिया को कहा जाता है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी का जो जनक है वो डी एन वालिया को कहा जाता है। तो डी एन वालिया को हम इस तरीके से करते हैं, तोड़ते हैं, तो डी एन वालिया को हम समझ लेते हैं तालियाँ। तो तालियां समझ के करते हैं, इन वालिया को तालियां समझ लीजिए, और मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान। अगर मौसम जो है, मौसम हमारे अनुकूल रहे यानी हमारे किसानों के अनुकूल रहता है, फसल अच्छी जाती है, तो हम सब क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो वालिया को इस तरीके से याद करते हैं, तालियां यानी मेट्रोलॉजी में जो मौसम अगर अनुकूल जाता है तो हम सब तालियां बजाते हैं। तो इस तरीके से समझ जाएं। और हाँ, अगर मौसम प्रतिकूल चला जाता है तो हम गालियां भी देते हैं। तो इस तरीके से आप एग्रोमेट्रोलॉजी जो है उसका जो फादर्स माना जाता है डी एन वालिया को। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कि जो फादर हैं वो जस्टर वॉन लीविंग को कहा जाता है या माना जाता है, यही हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के जनक जो हैं जस्टस वॉन लीविंग को कहा जाता है। तो इसका देखते हैं, इस तरीके से याद करते हैं, लीविंग को हम लैब से कंपेयर करते हैं। लीविंग को हम समझते हैं ये लैब, और केमिस्ट्री का से केमिस्ट्री को हम कनेक्ट करते हैं। लीविंग को लैब से यानी प्रयोगशाला से ऐड करते हैं, और इस तरीके से हम केमिस्ट्री और लैब का जो कंबाइनेशन जो होता है वही हम समझ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक हैं जिसे पिता कहा जाता है वो सर ल्यून हक को कहा जाता है। सर ल्यून हक को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जानते होंगे, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। सर ल्यून हक का मतलब ये जो है बैक्टीरिया की खोज जो की थी ल्यून हक ने की थी, आप सब जानते ही हैं। तो बैक्टीरिया की खोज जो की थी वो ल्यून हक ने ही की थी। तो देखते हैं आगे बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का भी जो जनक है वो जस्टस वॉन लीविंग को ही कहा जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, जहाँ केमिस्ट्री शब्द आ जाए वहाँ वॉन लीविंग यानी लैब से आप ऐड कर दीजिएगा, और केमिस्ट्री जहाँ पे आ जाए वहीं लीविंग जो है वहाँ उनके फादर्स यानी जनक माने या कहे जाएंगे, जस्टस वॉन लीविंग। तो ये बायोकेमिस्ट्री के फादर इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
एक्सटेंशन एजुकेशन, तो एक्सटेंशन एजुकेशन के जो फादर कहा जाता है ए सीमन लीजेंस, ए सीमन्स को जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन का है वो फादर कहा जाता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन शब्द जो है इस तरीके से बना है, लैटिन वर्ड का जो है इस तरीके से बना है। एक्स का मतलब होता है बाहर, और टेंसियो टेंशन का जो है टेंसियो शब्द से बना है, इसका मतलब होता है फैलाना यानी बाहर फैलाना, यानी कि आप इस समझ लीजिए आउट स्ट्रेचिंग, आउट स्ट्रेचिंग जो है एक्सटेंशन का अर्थ जो है यही निकलता है। तो आप इधर देखिए सीमन यानी जो है सीमन यहाँ पे जो दिया गया है आप इसे सी से समझिए, यस सी से यानी देखने से समझिए, देखने यानी बाहर देखने से समझ लीजिएगा। और जब हम बाहर देखते हैं और जब हम बाहर देखते हैं तो हम आउट रेज हमारे आँखों से निकलती हैं, तो बाहर निकलना यानी कि सी देखना। तो सीमैन जो है एक्सटेंशन एजुकेशन के जो यहाँ पे फादर्स या जनक कहे जाते हैं सीमन्स लिग्नेस जो हैं वो एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कहे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर बड़ी मेहनत से बनाया हूँ वीडियो, अगर आपको थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं थॉमस हंट मॉर्गन को एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का जो है वो फादर कहा जाता है। तो थॉमस को हम इस तरीके से याद करते हैं, थॉमस शब्द इसमें अगर आ गया है तो थॉमस जो है एक बहुत पहले जो थे वहाँ पे थॉमस, आप हम सब जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन को जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था 1000 से अधिक बार जो फेल हुए थे वो थॉमस अल्वा एडिसन से हम इन्हें याद कर सकते हैं थॉमस हंट मॉर्गन को। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो पिता हैं थॉमस हंट मॉर्गन है, और जेनेटिक्स के जो पिता हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। जैसा कि हम जानते हैं ना जेनेटिक्स के पिता जो कहे जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। हाँ ये नीचे देख लीजिए जेनेटिक्स के जो फादर्स कहे जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। आनुवंशिकता के जो पिता हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इन्होंने मटर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, तो हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में देखते हैं डॉक्टर एन ई बोरलॉग, डॉक्टर एन ई बोरलॉग ने हरित क्रांति की का पिता इन्हें कहा जाता है। हरित क्रांति जो है इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। तो आप इस तरीके से याद कीजिए रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति होता है, तो क्रांति आप इस तरीके से जो बोरलॉग हैं बोरलॉग को आप वीर बना लीजिए। अब इसे हम इस तरीके से करते हैं क्रांति और इधर जो करते हैं वीर, तो हम क्रांति वीर मूवी से इसे ऐड कर देंगे। तो बोरलॉग ग्रीन रिवोल्यूशन यानी क्रांति वीर से हम इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो था 1994 में जो एक मूवी निकली थी नाना पाटकर और डिंपल कपाड़िया की जो क्रांति वीर थी, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन यानी बोरलॉग जो है ग्रीन रिवोल्यूशन क्रांति अबीर यानी बोरलॉग से हम ऐड करके इसे हम याद कर सकते हैं। तो अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है याद करने का, आप अपना भी अलग तरीके से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से हम इसे अपने अंदर समझें या दूसरे को समझा सकें या खुद को समझ सकें जो हमारे लिए उपयोगी हो। तो नेक्स्ट देखते हैं जो है ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो नेक्स्ट आ गया वो तो था इन द वर्ल्ड में, ये है ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया जो है इंडिया में। आप सब जानते ही हमें स्वामीनाथन को ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है, मतलब कि लाए थे यही इनका पिता जो है ग्रीन रिवोल्यूशन का, हरित क्रांति के पिता इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो इन्होंने 1964-65 में ग्रीन रिवोल्यूशन लाई थी। तो इस समय भारत भुखमरी से जूझ रहा था जिस समय इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन लाई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो गोल्डन रिवोल्यूशन कब आई थी, तो गोल्डन रिवोल्यूशन इंडिया में डॉक्टर केसी चड्ढा द्वारा गोल्डन रिवोल्यूशन जो है वो डॉक्टर केसी चड्ढा जो थे वो गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, यानी गोल्डन रिवोल्यूशन के पिता डॉक्टर केसी चड्ढा को कहा जाता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइब्रिड कॉटन। हाइब्रिड कॉटन के जो पिता हैं वो सीटी पाटिल को कहा जाता है। हाइब्रिड कॉटन के जो पिता हैं सीटी पाटिल को कहा जाता है। सीटी पाटिल को इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, सीटी पाटिल यानी पहले इस तरीके से याद करते हैं, कॉटन। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कॉटन सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में पाया जाता है। अब सीटी पाटिल की वजह से हम इस तरीके से याद करते हैं, पाटिल यानी कि वहाँ पे बहुत अभी कुछ समय पहले देखे थे ना, पाटिल यानी हार्दिक पाटिल को देखे थे, हार्दिक पटेल को देखे थे। इस तरीके से जो सीटी पटेल यहाँ पे जो हैं आप इस तरीके से याद कीजिए, ये भी गुजरात के हैं और वो हार्दिक पाटिल भी गुजरात के हैं। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन पाया जाता है। तो इस तरीके से जिसे ये है, आप जो है ये बीच बीच में खबरों में रहते हैं हार्दिक पाटिल, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कॉटन जो है ये भी गुजरात से रिलेटिव करते हैं और गुजरात में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये आप जो इस तरीके से आप रूरल सोशियोलॉजी में जिसे हम कास्ट लीडर भी कहते हैं यानी जाति नेता कहते हैं, हार्दिक पटेल एक जाति नेता हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे इसका पार्ट 2 लेकर और हम आप लोगों को बताएंगे कि और जो हैं इसके नए ट्रिक के साथ में कि हम कैसे जो हैं फादर्स को हम याद रखते हैं, कैसे ही समझते हैं कि जो हैं एग्रीकल्चर संबंधित जितने हैं फादर्स हम सबको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।